Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. चंदन जी, ये पूरा क्या मसला क्या है? आप ये जहाँ पे खिला आप यहाँ, ये इंद्र रोड का आरक्षण क्रमांक 220 है, जो गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट गार्डन के लिए आरक्षित था। 97 में इसको आरक्षण किया हुआ था, तब से लेकर अब तक आज कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल में ना तो डेवलप हुआ है, ना इसके पीछे किसी ने कुछ काम किया है, ना अपना कोई नगर सेवक निधि दिया है यहाँ पे, ना स्कूल बनाने के लिए किसी ने बोले कि भाई सरकारी एक स्कूल बनाओ अच्छा इंटरनेशनल, ऐसा भी किसी ने आज तक किसी नगर सेवक ने बोला नहीं। आज यहाँ पे ये जो काम देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक भाजी मार्केट बना रहे हैं, सब्जी मार्केट। ऑलरेडी मीरा बंदर में फेरी वालों से पूरी जनता त्रस्त है, फेरी वाले खुद त्रस्त है कि नगर सेवकों के लाखों रुपए के हफ्ते, उसमें पावती जो वसूल करते हैं उसमें करोड़ रुपए का, 7 से 8 करोड़ का भ्रष्टाचार है उसमें। फेरी वाले भी त्रस्त है और जनता भी त्रस्त है फेरी वालों से, क्योंकि फेरी वालों को बैठने के लिए जगह नहीं है, और जितने फेरी वालों के आरक्षण है वो अभी तक डेवलप किए नहीं, उनको जहाँ मिले जगह वहाँ पे बिठा देते, क्योंकि हफ्ता मिलता है। हर गाड़ी के पीछे 2000-3000 का नगर सेवक हफ्ता लेते हैं, और एक नगर सेवक को बताएं कि ना फेरी वाला झुंड में ये फेरी वाले बैठते नहीं है करके, ना फेरी वाले झुंड में बैठते, इसके लिए वहाँ से हफ्ता लेते हैं। और अगर इतनी हिम्मत है और अगर इतना खुद को अगर पवित्र साबित करना चाहते हैं तो हटाओ अपने ना फेरी वाले झुंड के, कर दो पब्लिक के लिए रास्ता खाली कर दो। ये जो आरक्षण है ये आरक्षण स्कूल का है, वहाँ पे स्कूल ही बनना चाहिए, और जो गार्डन है वो गार्डन है। अभी हमारे जैसे मैं उनको अभिनंदन करूंगा, और 386 आरक्षण के बारे में भी बात करें, सिर्फ एक ही आरक्षण ने सबका हिसाब लेने की हिम्मत भी रखी, उतनी सूचना के नगर से उनको इतना बोलने की ताकत मिला, ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आप जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी के नेता मुजफ्फर हुसैन जी, इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है? कल जैसा लेटर डाला था मैंने उनको कॉपी भेजी थी, तो वो बोले थे कि मैं मेरे हिसाब से इसके बारे में पूरी जानकारी लेके अपने भी कॉर्पोरेटर्स जितने कांग्रेस के जुबेर इनामदार है उनसे भी बात करूंगा, ऐसा बोला था। मैंने मेरे संस्था की तरफ से मैंने मेरी ड्यूटी मेरी पूरी की, बाकी लोग से मैं उम्मीद करूंगा नहीं, इतना करेंगे तो अच्छा ही है, नहीं करेंगे तो उनके लिए अच्छा है, हम तो हमारा छीन के रहेंगे। जी, आपका नाम? रवि तिवारी। इस पूरे विषय में आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि जिस चीज के लिए जो आरक्षण है, मतलब यहाँ स्कूल बनना चाहिए, ग्राउंड बनना चाहिए, तो वही बनना चाहिए। उसके सिवा भाजी मार्केट बनाना मेरे हिसाब से तो मेरे लिए, मतलब हमारा युवा वर्ग कहाँ जाएगा? आमदार के घर बंगले के ग्राउंड में खेलने जाएगा कि उनके स्कूल के ग्राउंड में खेलने जाएगा? उस हिसाब से यहाँ जो भी है ग्राउंड या स्कूल बनना चाहिए।